जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं कूलिंग बाय एडियाबेटिक डी मैग्नेटाइजेशन। ये लो टेम्परेचर फिजिक्स का एक और मेथड है जिससे कि हम गैस का टेम्परेचर, लो टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके पहले के जितने भी हमने मेथड पढ़े, जूल थॉम्सन इफेक्ट, चाहे हमने पढ़ा रीजनरेटिव कूलिंग, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो नियर अबाउट 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ रहा था। यानी कि ये जो मेथड थे, इन मेथड्स के साथ हम टेम्परेचर जो प्रोड्यूस कर पा रहे थे वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का था। यानी कि उसके नीचे का जो टेम्परेचर है हम नहीं देख पा रहे थे, वहाँ लेके आ पा रहे थे। और एक बात ये भी है कि तब के जो साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम आइस पॉइंट भी बोलते हैं, उसके नीचे कोई टेम्परेचर होता ही नहीं था। उसके बाद और ज़्यादा जब खोजबीन हुई और ज़्यादा जब डिस्कवरीज हुई तो ये पाया गया कि जो टेम्परेचर है उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे भी लेके आया जा सकता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे कितना लाया जा सकता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड लाया जा सकता है। और पर अभी तक, आज तक ये पॉसिबल नहीं हुआ है कि कोई भी गैस को हम 0 केल्विन पर लेके आए। -273 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको 0 केल्विन भी कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वहाँ तक कोई गैस आज तक नहीं आ पाई। हाँ, पर उसके आसपास तक का टेम्परेचर अचीव हुआ है। कितना हुआ है? 10^-5 केल्विन हुआ है। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये देखा कि ये जो टेम्परेचर है इसको हम लेके आ सकते हैं कहाँ पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे भी। तो ये एक बड़ा बेंचमार्क था किसमें? लो टेम्परेचर फिजिक्स के केस में। तो लो टेम्परेचर फिजिक्स के लिए ये जो काम किया, सबसे पहले ये किसने किया? ये किया साइंटिस्ट डिबाई एंड जीक ने। तो डिबाई एंड जीक ने क्या किया, उन्होंने एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लिया और उसकी एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन कराया। डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है उसको हम थोड़ा आगे समझेंगे। तो उन्होंने उस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का डीमैग्नेटाइजेशन कराया, और जब डीमैग्नेटाइजेशन कराया तो उन्होंने जो टेम्परेचर प्रोड्यूस किया वो कितना किया? 10^-5 केल्विन तक का टेम्परेचर प्रोड्यूस किया। तो ये एक बहुत बड़ा बेंचमार्क साबित हुआ किसके केस में? लो टेम्परेचर फिजिक्स के केस में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपको लिखना क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि डिबाई एंड जीक जीक इंडिपेंडेंटली शो दैट द टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का डीमैग्नेटाइजेशन करके हम टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम अचीव कर सकते हैं। अब ये जो कहानी है, ये जो हम बात कर रहे हैं एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन की, ये सीन आखिर है क्या, ये क्या कहानी है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है इसके पीछे का, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या रहने वाला है उसको हम समझ लेते हैं। तो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले जो एटॉम की एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी? मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। तो उसको समझने के लिए हम हाइड्रोजन एटम को कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने कंसीडर किया हाइड्रोजन एटम, और उसके कोर में क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। हाइड्रोजन के कोर में क्या है? न्यूक्लियस है। तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। अब क्योंकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा होगा, यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्या मार रहा है? चक्कर मार रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि चार्ज है, मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज है। और हमने पढ़ा है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब भी किसी फील्ड में मोशन करेगा तो वो क्या जनरेट करेगा? वो करंट जनरेट करेगा। तो चार्ज पार्टिकल हो गया, और ये चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो क्या जनरेट करेगा? ये करंट जनरेट करेगा, ठीक है। सिंस वी नो दैट चार्ज मूविंग पार्टिकल
charged moving particle produces a current. तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा. और करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो हम कंसीडर कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये किधर घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है. ठीक है, तो लेट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये हमने मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर घूम रहा है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है. तो अभी हमने बात की कि जो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी. उसके ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि करंट जो फ्लो होगा वो ऐसे फ्लो होगा. ठीक है, तो करंट विल फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो. तो दैट मीन्स कि जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी. ठीक है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी और मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो करंट भी प्रोड्यूस हुआ और क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा. सबसे पहले तो जब ये करंट इधर फ्लो करेगा तो ये जो सामने वाला फेस दिख रहा है आपको, ये फेस कैसा होगा, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा. ये फेस कैसा बन जाएगा, नॉर्थ पोल. और इसके जो पीछे वाला फेस होगा वो कैसा फेस बन जाएगा, साउथ पोल. ठीक है, तो जो इसको मैं नाम देता हूँ एक और इसके जो पीछे का फेस होगा उसको मैं नाम दे दूंगा दो. तो लेट फ्रंट फेस इज शोन बाय वन एंड इट इज एक्टिंग एज नॉर्थ पोल एंड its back face is acting as south pole. तो इसका जो back face है जिसको हम दो से show करेंगे वो कैसे शो, वो किस, वो कौन सा pole बन जाएगा, south pole. ठीक है, वो south pole बन गया. अब जो मैग्नेटिक डाइपोल जिसको हम म्यू से भी लिखते हैं ना, तो मैग्नेटिक डाइपोल जो है उसकी डायरेक्शन होगी साउथ से नॉर्थ. तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक डाइपोल आएगा वो क्या आएगा, ये जो स्क्रीन है इस स्क्रीन से बाहर की तरफ निकलता हुआ क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन होगी. तो मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी जो टाइनी पार्टिकल है, जो छोटा पार्टिकल है, जो कोई भी एटॉम है वो किसकी तरह काम करता है, एक टाइनी मैग्नेटिक की तरह काम करता है. सो वी कैन से दैट एन एटॉम इज वर्क लाइक अ टाइनी मैग्नेट. यानी कि एक छोटे चुंबक की तरह वो क्या करता है, काम करता है. पर जब इनका अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, पर जब इनका हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं. अब वापस आ जाते हैं हमारे एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन पर. अब हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हम पैरामैग्नेटिक साल्ट ले रहे हैं. ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक साल्ट जो है यहाँ पर हम पैरामैग्नेटिक साल्ट कौन सा लेंगे, हम लेंगे गैलोडीनियम सल्फेट. हम लेंगे गैलोडीनियम सल्फेट GdSO4 2H2O. तो ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना होगा और ये जो एटम्स हैं ये इनिशियली इसमें रैंडमली लगे होंगे. ठीक है, रैंडमली लगे होंगे मतलब ये इस तरह से लगे होंगे, इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा. मान लो ये ऐसे है, ये ऐसे लगा है, ये ऐसे लगा है. इसके डाइपोल, ये जो एरो दिख रहे हैं इनके डाइपोल की डायरेक्शन है, ये ऐसे है, ये इस तरह से है और ये इस तरह से. तो इस तरह से इनके नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक इफेक्ट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो. क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो रैंडम अरेंजमेंट है, रैंडमली ये जो ओरिएंटेशन है इसका, तो इसकी वजह से जो इसका नेट मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, जीरो. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इन
नेचुरल कंडीशन, नेचुरल कंडीशन और विदाउट विदाउट एड ऑफ एनी एक्सटर्नल इफेक्ट, एक्सटर्नल इफेक्ट एटम्स आर अरेंज्ड अरेंज्ड रैंडमली, एटम्स रैंडमली अरेंज्ड होंगे, तो रैंडमली अरेंज्ड होंगे तो उससे क्या होगा, जो इनका मैग्नेटिक डाइपोल है यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो अपने आप को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो नेट मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो ऑल एटम्स कैंसिल आउट देयर मैग्नेटिक इफेक्ट, देयर मैग्नेटिक इफेक्ट, हैंस हैंस नेट मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स जीरो। तो नेट मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, जब इस पर कोई एक्सटर्नल फील्ड काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में नेट मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे, जो कि है एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन, तो हम क्या करेंगे इसको सबसे पहले हम मैग्नेटाइज करेंगे। मैग्नेटाइज करने से क्या होगा, जब हम इसको मैग्नेटाइज कर देंगे तो जितने भी एटम्स हैं वो एक एक ही डायरेक्शन में सब आ जाएंगे, उनका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, नेट मैग्नेटिक इफेक्ट है, वो एक डायरेक्शन में आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि उस वो कब आएगा, जब उसको बाहर से कोई एक्सटर्नल वर्क उस पर करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा मतलब उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दिया जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देने से उस पर एक एक्सटर्नल काम होगा, जिससे कि जितने भी एटम्स हैं वो एक अरेंज्ड मैनर में लग जाएंगे, अरेंज मैनर में लगने से उस पर एक नेट मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से सबसे पहले, क्योंकि हम उस पर क्या कर रहे हैं, उसको काम दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, तो वो हीट के फॉर्म में उसमें क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक हीटिंग, मैग्नेटिक हीटिंग के चक्कर में जो नेट टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, नेट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें इसको डीमैग्नेटाइज करना है। तो डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो मैग्नेटिक इफेक्ट को वापस से ज़ीरो करना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक इफेक्ट को ज़ीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो काम इसके ऊपर किया गया था, पहले सब्सटेंस के ऊपर काम किया गया था, अब सब्सटेंस क्या करेगा, काम करेगा। तो सब्सटेंस उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए काम करेगा। तो सब्सटेंस काम करेगा तो उसके लिए, काम करने के लिए एनर्जी चाहिएगी, तो एनर्जी कहाँ से लेगा, वो खुद की जो इंटरनल एनर्जी होगी उसका यूज़ करेगा। अब इंटरनल एनर्जी का वो यूज़ करेगा तो जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इस पूरी प्रोसेस के दौरान जो प्रोसेस रहेगा वो कौन सा रहेगा, एडियाबेटिक प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी यूज सम एक्सटर्नल इफेक्ट और वर्क टू मैग्नेटाइज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है जो, उसको हम मैग्नेटाइज करने के लिए कुछ एक्सटर्नल क्या करेंगे, काम उसके ऊपर करेंगे। यानी कि हमारे पास ये, ऐसा करने से क्या होगा, जितने भी हमारे पास एटम्स थे उनके जो डाइपोल हैं सब किधर आ जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, यानी कि उनका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है नेट, वो एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा, एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक बी नेट आ जाएगा, जिसकी डायरेक्शन वही होगी जो एक एटम के मैग्नेटिक इफेक्ट की डायरेक्शन है। तो मैग्नेटाइज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, उसके लिए हमने क्या किया, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल काम किया। तो ऐसा करने से क्या हुआ, हमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर काम करना पड़ा, क्योंकि उसके ऊपर काम करना पड़ा तो जो टेम्परेचर है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिस वर्क डन ऑन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज
स्टोर एज दिस पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस because of magnetic heating. तो इसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया. इसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया. क्यों बढ़ गया? क्योंकि जो एटॉम्स है उनका जो अलाइनमेंट है वो किधर की तरफ आ गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया. क्योंकि जो एटॉम्स हैं उनका जो अलाइनमेंट है, बिकॉज अलाइनमेंट ऑफ एटॉम्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इनका अलाइनमेंट आ गया, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया. अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसे डीमैग्नेटाइज करना है. तो डीमैग्नेटाइज कैसे करेंगे? नाउ वी विल डीमैग्नेटाइज द सब्सटेंस. तो डीमैग्नेटाइज कैसे करेंगे? हमने इसके ऊपर कुछ काम किया था ताकि ये मैग्नेटाइज हो जाए. तो इसके ऊपर काम किया था जब इसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया. अब डीमैग्नेटाइज करने के लिए, डीमैग्नेटाइज का मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको वापस से हमें क्या करना है, जीरो करना है. तो इसको जीरो करने के लिए अब सब्सटेंस क्या करेगा, काम करेगा. सो सब्सटेंस हैज़ टू डू सम वर्क एंड फॉर दिस वर्क इट यूजेस इट्स इंटरनल एनर्जी. ये इसकी इंटरनल एनर्जी का क्या कर लेगा, यूज़ कर लेगा. और ये इसका इंटरनल एनर्जी का यूज़ करेगा तो इसकी वजह से इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. सो इट मे कॉज डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. तो ऐसा करने से क्या होगा, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा. ठीक है. तो ये जो पूरा इफेक्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटोकैलोरी इफेक्ट. एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मैग्नेटो कैलोरिक इफेक्ट. इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटो कैलोरिक इफेक्ट. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी. तो अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने समझा है कि ये कूलिंग बाय एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है और इसका प्रिंसिपल क्या होता है. अब हम ये समझेंगे कि ये जो मेथड है जो हम ये कर रहे हैं कि पहले इसको मैग्नेटाइज करेंगे फिर इसको डीमैग्नेटाइज करेंगे, तो ये हमें करना कैसे है. तो अब हम इसका देखते हैं मेथड. ठीक है, तो अब हम समझेंगे इसका मेथड. तो मेथड में समझने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना होगा, तो पहले मैं वो डायग्राम बना लेता हूँ. तो डायग्राम में क्या क्या आएगा, एक ये लग गया यहाँ पर और एक ऐसे हमने खींच दिया. दो फ्लास्क आएंगे, एक फ्लास्क ये हो गया. ये जो फ्लास्क है इस फ्लास्क को हम नाम देंगे दीवार फ्लास्क. और दीवार फ्लास्क इसको हम नाम क्यों देंगे, क्योंकि ये जो फ्लास्क है ये बनाए साइंटिस्ट दीवार ने, इसलिए हम इनको क्या नाम देंगे, दीवार फ्लास्क. यहाँ पर एक ट्यूब है, ये ट्यूब बनाई हमने. इस ट्यूब का ऊपर का हिस्सा, ऊपर वाले हिस्से का डायमीटर कम है और नीचे वाले हिस्से का डायमीटर ज़्यादा है. ठीक है, इस ट्यूब को हमने नाम दिया ए. और ये ट्यूब जो है इसको हमने एक पंप की हेल्प से कनेक्ट कर दिया एक साइड से, और इस पंप को हमने नाम दिया वैक्यूम पंप. कौन सा पंप नाम दिया, वैक्यूम पंप. और एक एंड पर इसको कनेक्ट कर दिया हमने यहाँ पर,
यहाँ पर हमने कर दिया हीलियम चैम्बर से, तो ये कौन सा है, ये है हीलियम चैम्बर, यहाँ से ये कनेक्टेड है किससे, हीलियम चैम्बर से। दीवार फ्लास्क है जो ये वाला दीवार फ्लास्क, इसको मैंने लिखा दीवार फ्लास्क वन, दीवार फ्लास्क फर्स्ट, और ये है दीवार फ्लास्क सेकंड, दीवार फ्लास्क सेकंड। यहाँ है नॉर्थ पोल, यहाँ है साउथ पोल, यानी कि मैंने इसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें कुछ एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा, पहले उसको क्या करना पड़ेगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज, यहाँ पर रख दिया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये है क्या, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये क्या रखा हुआ है, ये रखा हुआ है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एक में हमने भर दिया किसको, लिक्विड हीलियम को, एक में भर देंगे हम किसको, लिक्विड हाइड्रोजन को, तो इसमें हमने फिल कर दिया लिक्विड हीलियम, और दूसरे वाले में हम फिल कर देंगे क्या, लिक्विड हाइड्रोजन, इसमें हमने क्या फिल कर दिया, लिक्विड हाइड्रोजन, ठीक है साहब। तो यहाँ तो क्या आ गया, यहाँ आ गया लिक्विड हाइड्रोजन, और यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया लिक्विड हीलियम, लिक्विड हीलियम। तो ये तैयार हो गया हमारा एपरेटस, ठीक है। अब करना क्या है हमें, अब इसको करने के लिए सबसे पहले हमने जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसको ग्लास ट्यूब ए में रख दिया, ये ग्लास ट्यूब ए है, इसके अंदर हमने इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिया, और ये जो ट्यूब है जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कनेक्टेड है एक साइड से, तो ये ट्यूब कनेक्टेड है, इसका एक जो एंड है उसको कनेक्ट कर रखा है हीलियम चैम्बर से, और दूसरी साइड से ये कनेक्टेड है वैक्यूम पंप से। ये ट्यूब को हमने रखा है दीवार फ्लास्क से जिसमें भरी हुई है लिक्विड हीलियम, और फर्दर ये जो लिक्विड हीलियम वाला फ्लास्क है ये रखा हुआ है एक और फ्लास्क में, जो फर्दर दूसरा दीवार फ्लास्क है जो रखा है वो है लिक्विड हीलियम में। ऐसा करने से क्या होगा, एक टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा जिससे कि एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाएगा, और जो सब्सटेंस है वो सराउंडिंग से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सराउंडिंग से क्या हो जाएगा, उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, यानी कि आइसोलेटेड हो जाएगा। अब ये जो लो टेम्परेचर यहाँ पे जनरेट होगा उसको मीज़र करने के लिए ये जो ट्यूब है ए, इससे हम एक सोलेनाइड को लपेट कर रखते हैं, सोलेनाइड पर जो रीडिंग आएगी वो उसकी किसकी आएगी, मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी की। तो मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी जो है क्यूरी के जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग, मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की उसका जो टेम्परेचर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी को क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है इसको हमने रख दिया एक ट्यूब के अंदर। फर्स्ट मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, फर्स्ट वी विल पुट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन अ ग्लास ट्यूब ए विच इज कैप्ड इंटू अ दीवार फ्लास्क कंटेनिंग क्या है उसमें, लिक्विड हीलियम, उसके अंदर फिल है क्या, लिक्विड हीलियम, ठीक है। एंड दिस दीवार फ्लास्क इज अगेन कैप्ड इनटू अनदर दीवार फ्लास्क विच इज फिल्ड बाय लिक्विड हाइड्रोजन, एंड दिस फ्लास्क इज कैप्ड इनटू अनदर फ्लास्क कंटेनिंग लिक्विड हाइड्रोजन, ठीक है। और जो ट्यूब है उसको एक साइड से कनेक्ट करेंगे किससे, लिक्विड हीलियम चैम्बर से, और एक साइड से कनेक्ट करेंगे किससे, वैक्यूम चैम्बर से। ट्यूब इज कनेक्टेड विद हीलियम चैम्बर एंड वैक्यूम चैम्बर,
वैक्यूम चैम्बर। हमने दो फ्लास्क क्यों प्रोवाइड कराए हैं? दो फ्लास्क हमने इसलिए प्रोवाइड कराए हैं ताकि जो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर ग्रेडियंट वहाँ पर क्या हो जाए, जनरेट हो जाए, टेम्परेचर ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगा तो लो टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा, लो टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा और जो सैंपल है, सैंपल यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो सराउंडिंग के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तो बाय प्रोवाइडिंग टू फ्लास्क वी कैन प्रोड्यूस लो टेम्परेचर ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड सैंपल का मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, सैंपल विल नॉट इन कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग्स, तो वो सराउंडिंग के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। ठीक, ये बात हो गई यहाँ तक। फिर जो लो टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा उसको मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सैंपल होगा, सैंपल वाली जो ट्यूब होगी उसके साथ हम सोलेनाइड को क्या कर देंगे, कोएक्सियल लगा देंगे। ठीक है, तो टू मेजर लो टेम्परेचर वी विल यूज अ सोलेनॉइड विच इज रैप्ड कोएक्सियली विद द ट्यूब ए। उसको हम ट्यूब ए के साथ क्या करेंगे, कोएक्सियली उसके लपेट देंगे, रैप कर देंगे। उसके बाद क्यूरी के अकॉर्डिंग उसकी जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड क्या बताएगा, मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी को बताएगा। सोलेनॉइड will tell the magnetic susceptibility of substance and according to Curie principle magnetic susceptibility is inversely proportional to temperature। ठीक है, ये तो बात हो गई कि apparatus और method में क्या रहेगा, working क्या रहेगी, working भी देख लेते हैं हम hand to hand, जब इतना पढ़ लिया तो working में बेटा आप क्या लिखोगे कि सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, वो जो हमने उसको किसके बीच में रखा है, magnetic जो poles हैं north और south pole, यानी कि हमने उसको external magnetic field के बीच में रख दिया है, तो हम उसको क्या करेंगे, switch on करेंगे। तो first we will स्विच ऑन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम स्विच ऑन करेंगे तो उससे क्या होगा, जो सब्सटेंस है उसके जो एटॉम हैं, यानी कि सब्सटेंस जो जैसा कि हमने पढ़ा था, उसके एटॉम क्या हो जाएंगे, एक प्रॉपर मैनर में अरेंज होने की वजह से उसमें क्या जाएगा कि नेट मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा, और उस नेट मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया, ड्यू टू दिस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस विल मैग्नेटाइज, वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज एंड इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, और इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों बढ़ जाएगा, ये हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं पहले ही कि इसका जो टेम्परेचर है वो क्यों बढ़ेगा। अब हमें क्या करना है,
अब इसका क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, अब इसके टेम्परेचर बढ़ गया है तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें अब हीलियम गैस पास कराना चालू कर देंगे। हीलियम गैस कौन सी, जो हमने इसको ट्यूब से कनेक्ट किया हुआ है, एक हिस्सा ट्यूब से और एक हिस्सा वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है, तो जो लिक्विड हीलियम से जो पास है, जो हिस्सा इसका, जो सिरा इसका जुड़ा हुआ है, उसमें से हम क्या पास कराना चालू कर देंगे, लिक्विड हीलियम इसको कंटिन्यूसली पास कराएंगे, सो दैट तो टेम्परेचर है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का वो बराबर हो जाए किसके, लिक्विड हीलियम के। ठीक है, तो वो तो हम शुरू में ही करा रहे हैं, उसके बाद हमने इसको जैसे ही स्विच ऑन कराया, जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पर, जैसे ही हमने मैग्नेटाइज कराया तो इसका जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इससे क्या होगा, जो लिक्विड हीलियम है, लिक्विड हीलियम का जो जो कुछ पोर्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। ठीक है, तो ये टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है, सो दैट सम पार्ट ऑफ लिक्विड हीलियम हीलियम इज कन्वर्टेड इनटू गैस। ठीक है, अच्छा जी, यहां पर मैं लिख देता हूं इनिशियली लिक्विड हीलियम इज कंटिन्यूअसली पास्ड इन ट्यूब सो दैट टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस विल इक्वल टू लिक्विड हीलियम। ठीक है, तो हम शुरुआत से ही क्या कर रहे हैं, उसमें लिक्विड हीलियम की सप्लाई कर रहे हैं ताकि दोनों का टेम्परेचर सब्सटेंस का और लिक्विड हीलियम का सेम हो जाए। उसके बाद हम जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करने के बाद जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइज हो जाता है और उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो लिक्विड हीलियम है उसका कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, जो वैक्यूम पंप लगा हुआ है उस वैक्यूम पंप से हम जो लिक्विड हीलियम उसके अंदर है, जो लिक्विड और गैसियस हीलियम है, दोनों को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, जिससे कि जो ट्यूब है उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, नाउ लिक्विड एंड गैसियस हीलियम इज पम्प्ड ऑफ, उसको हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, एंड अ वैक्यूम इज क्रिएटेड इनसाइड द ट्यूब। तो ट्यूब के अंदर क्या क्रिएट हो जाता है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जब जो मैग्नेटिक जो साल्ट है, जो साल्ट पैरामैग्नेटिक साल्ट है, जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा लिक्विड हीलियम के साथ, तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देंगे और तो उस ऐसा करने से इंस्टेंट एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन हो जाएगा किसका, साल्ट का, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो व्हेन टेम्परेचर ऑफ साल्ट विल इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद लिक्विड हीलियम we will switch off the magnetic field, कौन सा magnetic field, external magnetic field, and consequently मतलब consequently adiabatic demagnetization of salt takes place and its temperature falls and its
टेम्परेचर फॉल्स, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इस मेथड से जैसा कि मैंने कहा हम 10 की पावर माइनस 3 एक्चुअली का जो केल्विन तक का टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाय दिस मेथड वी कैन प्रोड्यूस टेम्परेचर अप टू 10 पावर माइनस 5 केल्विन। ठीक है, तो ये तो थे क्या, ये जो एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस है इसके प्रिंसिपल, इसकी मेथडोलॉजी, इसकी वर्किंग कि हम इसका किस तरह से यूज़ करते हैं, कितना इसका टेम्परेचर हम कम कर सकते हैं किसी सब्सटेंस का। तो इसका जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम देखेंगे इसका जो मैथमेटिकल पार्ट है, जो टेम्परेचर का फॉर्मूला इसका आएगा वो हम देखेंगे और किस तरह से उसको हम ड्राइव करेंगे। तो होपफुली ये जो लेक्चर है आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है, किसी का कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, जैसे ही मैं उसे देखूंगा मैं हैंड टू हैंड उसका रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।